वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं? वृत्त के बाह्य भाग में एक बिंदु P लीजिए। वृत्त पर बिंदु P से स्पर्श रेखाएं खींचने का प्रयत्न कीजिए। देखिए आकृति 87। आप पाएंगे कि वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर दो और केवल दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। बाह्य बिंदु P से वृत्त के स्पर्श बिंदु तक की दूरी को स्पर्श रेखा की लंबाई कहते हैं। आकृति में क्या PS और PT में कोई संबंध है? PS और PT की लंबाइयां मापें। आप पाएंगे कि PS बराबर PT। आइए इस तथ्य की पुष्टि के लिए उपपत्ति देखते हैं। प्रमेय 12। प्रमेय 12 का जो कथन है हमारा, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई या बराबर होती है। ज्ञात है AP जो कि स्पर्श रेखा है और EQ बाह्य बिंदु A से वृत्त पर खींचे गए दो स्पर्श रेखाखंड है। सिद्ध करना है हमें एपी बराबर एक्यू। रचना वृत्त के केंद्र ओ से ए पी क्यू को मिलाइए। उपपत्ति देखेंगे हम। त्रिभुज ओ पी ए तथा त्रिभुज ओ क्यू ए में यहां पे हम देखते हैं कि OP बराबर OQ है,
जो कि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ओपी और OQ एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। यहाँ पे हम OA बराबर, यहाँ पर हम OA बराबर OA लेंगे। ये हमारा उभयनिष्ठ भुजाएं हैं, ये उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ भुजाएं OA बराबर OA उभयनिष्ठ भुजाएं हैं। और इसी तरह से हमारे पास है कोण APO बराबर कोण AQO जो कि 90 अंश है। तो ये स्पर्श बिंदु से जाती हुई त्रिज्या है, स्पर्श बिंदु से जाती हुई त्रिज्या स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज OPA सर्वांग सम है त्रिभुज OQA से। यहाँ पे हमने जो सर्वांग सम नियम समकोण कर्ण और भुजा सर्वांग समता का नियम लगाया है, इस तरह से हमने त्रिभुज OPA सर्वांग सम है त्रिभुज OQA से, यहाँ पे हमने नियम कोण कर्ण भुजा सर्वांग समता का नियम लगाया है। अतः हम कह सकते हैं कि AP स्पर्श रेखा जो है वो AQ स्पर्श रेखा से बराबर है। यहाँ पे हमने लगाया है सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग। तो जब त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत भाग को हम बराबर बताया है, एपी बराबर एक्यू सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भार भाग बराबर होते हैं। उपरोक्त प्रमेय की उत्पत्ति में त्रिभुज ओपीए सर्वांग सम त्रिभुज ओक्यूए, अतः कोण ओएपी बराबर कोण ओएक्यू। आप कह सकते हैं कि वृत्त का केंद्र कोण PAQ के कोणार्धक पर स्थित है। इस तथ्य का उपयोग ऐसे वृत्त खींचने में किया जा सकता है जो दो प्रतिच्छेदी रेखाओं को स्पर्श करता है। विशेष रूप से एक ऐसा वृत्त भी खींचा जा सकता है जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करेगा। इस वृत्त को त्रिभुज का अंतःवृत्त और इसके केंद्र को त्रिभुज का अंतःकेंद्र कहा जाता है।